लखनऊ में यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए, तो वहीं सीएम योगी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस मीटिंग में शामिल रहे। बीजेपी की ओर से पेश किए गए राजनीतिक प्रस्ताव में कई अहम बात रखी गई है, जैसे विपक्ष के झूठे प्रचार से चुनाव में नुकसान हुआ, आरक्षण संविधान पर विपक्ष ने झूठ फैलाया, ओबीसी एससी रिजर्वेशन के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट होना होगा, सरकारी भर्तियों परीक्षाओं में रुकावट ना हो इसकी रणनीति भी बनेगी, और बीजेपी ने माना परीक्षा और भर्ती में सच्चाई पारदर्शिता जरूरी है। पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, दोषियों को सजा दिलाएंगे, राहुल गांधी को हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए, तो यूपी की कानून व्यवस्था देश में उदाहरण बन गई है, ये तमाम पॉइंट्स आज के प्रस्ताव में रखे गए मीटिंग के दौरान। और साथ ही बताएंगे जेपी नड्डा और सीएम योगी ने विपक्ष पर कैसे बोला जोरदार हमला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वह आज फिर से उथल कूद करने का कार्य कर रहा है। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में आगे की रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव के परिणाम और उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज बैठक में मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं को मनोबल ऊंचा रखने का संदेश दिया गया, साथ ही उपचुनाव को लेकर मंत्र भी दिया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है, जिसके साथ रहेगी उसका ही खात्मा कर देगी। कि कांग्रेस का अकेले जहां चुनाव लड़ी है, वहां इसका स्ट्राइक रेट है 26%, और जहां ये अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ी है, वहां इसका स्ट्राइक रेट है 50%। यानी कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई है, अपने पर खड़ी नहीं है, अपने वोट पर खड़ी नहीं है, ये दूसरों के वोट पर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरासाइट, और आपके यहां परजीवी पार्टी यानी लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक करके खड़े होने की बात करती है। और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यह पार्टी दूसरों के सहारे खड़े होकर के उन पार्टियों को कमजोर कर देती है और खुद खड़े होने का प्रयास करती है। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा ने साफ कहा कि राम मंदिर हमारे लिए कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा है, ये लोगों की आस्था का मुद्दा था जिस पर विपक्ष अब बयानबाजी कर रहा है। और मैंने पहले भी कहा था, मैं इसलिए पत्रकार बंधु भी नोट कर ले, सारे चुनाव में मैंने कहा राम मंदिर हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, राम मंदिर करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का मुद्दा है और आस्था से जुड़ा हुआ विषय। बीजेपी की बैठक में सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से 2022 तक बीजेपी यूपी में कामयाब रही, 2024 में भी बीजेपी वोट पाने में सफल रही है, लेकिन अति आत्मविश्वास से नुकसान हुआ है, विपक्ष फिर से उछल कूद कर रहा है। वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था है, अब किसी की मनमानी नहीं चलती है।
सीएम योगी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। उपचुनाव की सभी 10 सीटें हम जीतेंगे। उपचुनाव की अभी से तैयारी करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी, आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा, आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। वहीं यूपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि बीजेपी को अपनी बैठक में भी कांग्रेस और एसपी का डर सता रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, अगर नसीहत देनी है तो अपनी सरकार को नसीहत दीजिए कि वो पेपर लीक क्यों करवा रही है, लगातार युवाओं को क्यों बेरोजगारी से परेशान करके रखा हुआ है, दलितों पर अत्याचार चरम पर हो रहा है। यूपी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में लाए गए प्रस्ताव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को निशाने पर लिया गया है। बीजेपी ने एसपी के यादव वोट बैंक पर सेंधमारी के लिए, मथुरा वृंदावन के विकास और श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए संघर्ष का ऐलान भी किया है। इसके अलावा पार्टी ने दलित वोटों को अपनी ओर जोड़ने के लिए बुद्ध परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर को एजेंडे में शामिल किया है। बीजेपी ने अपने एजेंडे में राहुल गांधी के हिंदू धर्म विरोधी होने का प्रस्ताव भी पारित किया है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।